हेलो एवरीवन, अब हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो इस चैप्टर ये जो चैप्टर है एज इट इज़ ओल्ड एनसीईआरटी की तरह ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर दिस आई विल से यू प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। All animal include human being depend on the plant for their foods. तो सर जितने भी animals हैं, human भी उसमें included है, वो सब dependent है food के लिए plant पर। Plant ही है जो food की synthesis करते हैं, ठीक है। और बाकी सब जितने भी organisms हैं, living organism, वो dependent है plant पर। Have you ever wondered from where the plant get their foods? तो हमें पता है, कैसे पता चलेगा कि ये जो plant है इनका food कैसे बनाते हैं, ये जो plants है food कैसे synthesize करते हैं? तो ये photosynthesis के थ्रू करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? जो ग्रीन प्लांट्स होंगे। इनफैक्ट हैव टू मेक रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेड ऑन देम फॉर देयर नीड्स। तो वो फूड बनाते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वो अपने के साथ साथ वो जो बाकी डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। The green plant make sure or rather synthesize food they need through the photosynthesis and therefore called autotroph. तो जो green plant है वो क्या करते हैं? They make food. तो वो फूड की सिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड्स एंड फूड्स फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली प्लांट एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंडेड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेटरोट्रॉफ्स। तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन या फूड का सिंथेसिस करते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन दिस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट वाई दिस डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक्स। हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड्स। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसाइज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाई विच दे यूज द लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बाई द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, दैट्स वाई दे फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट फॉर एनर्जी। तो दैट्स वाई वी कॉल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट एनर्जी। ओके, यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट बाई द प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो एनर्जी होती है सनलाइट की, दैट्स यूजेस बाय द प्लांट टू फॉर्म द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो बाय द फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज दिस सनलाइट एंड फॉर्म द फूड्स। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट। तो बाय द फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्म्ड आल्सो ऑक्सीजन विल रिलीज्ड। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तो हम जो ब्रीदिंग करते हैं तो कैसे हमें ये ऑक्सीजन मिलेंगे? अल्टीमेटली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन फॉर लिविंग लाइफ। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन ट्रांसफॉर्म द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके,
तो दीज ऑल आर इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ वी विल मूव नेक्स्ट पार्ट सन, दैट इज व्हाट डू वी नो. तो हम क्या जानते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस बिकॉज वी वांटेड बाय द फोटोसिंथेसिस टू फूड एंड ऑक्सीजन. बट हाउ इट्स ऑल हैपन दैट्स वी विल स्टडी. Some simple experiment you may have done in earlier classes have shown in that chlorophyll may that is green pigment of leaf light and CO2 required for photosynthesis to occur. The green plant जो photosynthesis करते हैं तो उसके लिए वो क्या use करते हैं. They uses light, carbon dioxide and their present is chlorophyll in which green pigment also present. ठीक है, green pigment जैसे chlorophyll A. तो chlorophyll A is responsible for photosynthesis, light also required and CO2 also required. Okay, after that photosynthesis will be happen. You may have carried out a experiment to look for starch formation in two leaves, vegetative leaves or leaf that are partially covered with black paper. तो we will look at experiment. Two type of leaf we have, that is one is तो variegated जो होते हैं पूरी तरह green leaf है and other जो leaf लेंगे that is covered partially by ब्लैक पेपर. तो ब्लैक पेपर से उसके आधे पोर्शन को कवर कर देंगे जो सेकेंड लीव्स है. और फिर इसके बाद वी एक्सपोज टू लाइट, फिर हम लाइट से एक्सपोज करेंगे और ऑन दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो पूरी तरह से ग्रीन प्लांट है और एक्सपोज पार्ट है वहाँ पर ही क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस देखने को मिला. तो ग्रीन पार्ट में और एक्सपोज पार्ट, क्योंकि एक्सपोज पार्ट पर थे लाइट आ रहे थे, अब्सॉर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही थी. जो कवर किया गया था ब्लैक पेपर से दैट पोर्शन में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट थी. एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें बोला गया यू मे हैड करी आउट वेयर पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग केओ सॉफ्ट कॉटन वाइल अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर. तो इस तरह से जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया गया, एक लीफ को इन मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा गया जो इनक्लोज था और दूसरा जो लीफ है वो एक्सपोज एयर में एक्सपोज था. तो इससे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और व्हाट हैपन इन दैट एक्सपेरिमेंट. हमने देखा कि वो जो इनक्लोज पार्ट था वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ और जो एयर में एक्सपोज लीफ था दैट टेस्ट ट्यूब जो फॉर्म स्टार्च. एंड हम इसको देख लेते हैं, सेटअप इज देन प्लेस लाइट फॉर समटाइम्स. दोनों सेटअप में दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, लाइट को एक्सपोज किया. ऑन द टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन टू पार्ट ऑफ द लीफ यू मस्ट फाइंड दैट द एक्सपोज पार्ट. तो एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ में क्या देखने को मिले, स्टार्च का फॉर्मेशन देखने को मिला एंड वहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिली. दिस शो द CO2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो जो ओपन था, जो एक्सपोज पार्ट था एयर में, क्योंकि वहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट था दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस विल हैपन देयर. ओके, एंड जो इनक्लोज पार्ट था जो जहाँ पे लीव अंदर था वहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं थे दैट्स वाई एयर भी प्रेजेंट नहीं थे, ऊपर से वहाँ पे जो CO2 था उसका अब्जॉर्प्शन हो गया था दैट्स वाई वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं देखने को मिला. इसको हाफ मोल हाफ एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं. अर्ली एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया. इट इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये भी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरा इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फोटोसिंथेसिस कैसे हैपेंड होता है, ऑल प्रोसेस विल बी फाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. जोसेफ प्रिस्टले इन 1770 में परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील दैट इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट. तो ग्रीन प्लांट के ग्रोथ में इन ग्रीन प्लांट ग्रोथ एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो इसके लिए प्रिस्टले यू में रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन 74. तो प्रिस्टले जो थे उन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन को. प्रिस्टले थे उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया. प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग, उन्होंने कैसे किया अभी इस एक्सपेरिमेंट आगे दिया हुआ है. प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्निंग इन द क्लोज स्पेस बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश. सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन क्लोज स्पेसेस. ही कंक्लूडेड दैट बर्निंग कैंडल ऑफ एनिमल दैट ब्रीथ द एयर्स. तो उन्होंने क्या बोला कि एक कैंडल एक सेटअप किया, एक क्लोज स्पेस था, बेल जार है, बेल जार को पूरी तरह से उसको क्लोज कर दिया गया एंड वहाँ पे एक कैंडल को बर्न किया गया. ठीक है, कैंडल बर्न कैंडल को वहाँ पे प्लेस मतलब वहाँ पे रखा गया एंड जो स्पेस है बेल जार का उसको क्लोज कर दिया गया और वहाँ पे एक माउस भी रखा गया. तो ये पूरा सेटअप करके रखा गया. तो देखा जो वो कैंडल बर्न कर रहा था वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, वो जल्दी ही क्या हो गया, बुझ गया. तो ऐसा क्यों हुआ और दूसरे में और जो चूहा था उसमें जो रैट था माउस वो भी सफोकेट होके मर गया उस क्लोज स्पेस में. इससे क्या पता चला, ही कंक्लूड द बर्निंग कैंडल ऑफ और एनिमल दैट ब्रीद द एयर्स बोथ समहाउ डैमेज द एयर बट व्हेन ही प्लेस मिंट प्लांट इन सेम जार्स ही फाउंड दैट द माउस स्टे अलाइव. तो उन्होंने क्या देखा कि जो माइस माउस था एंड जो कैंडल जो बर्न था तो वो दोनों भी क्या हो गए, जो कैंडल था वो एक्सटिंग्विश हो गया एंड एनिमल जो है वो भी सफोकेशन की वजह से डाई हो गया. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों भी क्या कर रहे थे, दोनों भी ऑक्सीजन को फटाक से जो इनक्लोज स्पेस था वहाँ से जितने भी ऑक्सीजन था उसको ऑब्जॉर्व कर लिया और उस जिसकी वजह से बाकी जो ऑक्सीजन थी उसकी कमी हो गई. दैट्स वाई दिस ऑल हैपन. लेकिन जैसे ही हम उस सेटअप पे मिंट जार को रख दिए, उस जार में क्या रख दिए, मिंट प्लांट को रख दिए, मेन प्लांट को रख दिए, तो क्या होगा, तो वहाँ पे देखा कि माउस भी अभी अलाइव है एंड कैंडल भी बर्न है. ठीक है, कैंडल भी नहीं बुझी और सफोकेशन से माउस मरा भी नहीं. क्यों इससे पता चला कि जो मिंट प्लांट है ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को. तो इस हिसाब से पिछले हाइपोथेसाइज द प्लांट रिस्टोर द एयर वाट एवर द ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग द कैंडल रिमूव्स. तो इस तरह से उन्होंने बोला कि जो प्लांट है वो कुछ तो ऐसा रिलीज करते हैं एयर, कुछ तो ऐसा एयर रिलीज करते हैं जिसको एनिमल जो ब्रीदिंग के थ्रू और जो कैंडल हो बर्निंग के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जो कि प्लांट उसे क्या करते हैं रिस्टोर करते हैं. तो इसमें बोला कि कैन यू इमेजिन प्रिस्टले वुड कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड प्लांट. तो कैसे प्रिस्टले ने एक बेल जार में प्लांट और कैंडल को मतलब रख के एक्सपेरिमेंट को की. यूजिंग सिमिलर सेटअप वन यूज बाय द प्रिस्टले. तो फिर जैसा प्रिस्टले ने सेटअप यूज किया था दूसरे साइंटिस्ट ने भी उसको यूज किया, एज इट इज सेटअप यूज किया, बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क वंस इन सनलाइट. जैन इंजन हाउस 1730 to 1799 शोर दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर फोल्ड बाय द कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स. तो जैसा प्रिस्टले ने सेटअप बनाया था, एक बेल जार था, उसमें उन्होंने मिंट को रखा, कैंडल को रखा और माउस को रखा और पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया. सेम ऐसे जैन इंजन हाउस ने सेम सेटअप लिया बट उन्होंने एक कंडीशन चेंज की कि उन्होंने एक बार ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट और एक बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इन द डार्क कंडीशन में काम किया एक्सपेरिमेंट किया. तो उन्होंने देखा कि सनलाइट इज द एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर फॉल्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स एंड ब्रीदिंग एनिमल्स. तो उन्होंने देखा कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन एंड दैट्स वाई विच एयर इज रिलीज दैट इज ऑक्सीजन इज ऑल्सो एबसेंट.
इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ें देखी कि जो कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल क्या कर रहे थे, जो एयर को डैमेज कर रहे थे उसको रिलीज़ या रिस्टोर करने का काम तभी अवेलेबल था जब सनलाइट प्रेजेंट थी। ओके, अगर सन डार्क कंडीशन में ये रिएक्शन हो रख देते तो ये चीज़ें हमें देखने को ना मिलती और ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता। तो सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जन इंजन हाउस ने बताया। प्रिस्ले ने क्या बताया, ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्लांट, तो उन्होंने ये बताया। फिर हमने मॉल हाफ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा CO2 इज़ वेरी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू फर्दर। इंजन हाउस इज एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विथ एक्वेटिक प्लांट सो दैट अ ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबर वेयर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट वाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। तो इंजन हाउस ने क्या देखा, जब उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट एक्वेटिक प्लांट में देखा तो जहाँ पे ब्राइट सनलाइट थे, जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट थे, वहीं पे उनको ऑक्सीजन का फॉर्मेशन देखने को मिला। वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे बबल्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने स्मॉल बबल देखे जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट थी एक्वेटिक प्लांट में, और डार्क कंडीशन में ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली थी। वो जो बबल थे, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट थे, तो वहाँ पे डार्क कंडीशन में ये चीज़ें नहीं देखने को मिली। लेटर ही आइडेंटिफाई दिस बबल टू बी अ ऑक्सीजन, ये बबल जो थे वो ऑक्सीजन बता रहे थे। एंड हेंस ही शो दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो ओनली ग्रीन पार्ट, जो प्लांट का हर पार्ट नहीं, जो ग्रीन पार्ट है वही क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट जो आया एक्सपेरिमेंट, इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक। तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे, दैट वन इज जूलियस वॉन सैक। इन 1854 ही एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट ग्रो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रोडक्शन कर रहे थे ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है वो, तो ये बात किसने बताई, याद रखना, क्वेश्चन में पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो 1854 में जूलियस वॉन सैक ने ग्लूकोज का प्रोडक्शन बताया था। तो जो ग्रीन प्लांट है वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ओके, ही लेटर स्टडी दैट द ग्रीन सब्सटेंसेस इन द प्लांट क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल आर लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो ग्रीन पार्ट होता है, तो ग्रीन पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस क्लोरोफिल प्रेजेंट ओनली इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट इन द प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज़ यू स्टोर्ड इन द स्टार्च। तो इन प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। रिमेंबर इट। नाउ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय द TW एंजलमैन। तो नेक्स्ट एक दूसरे साइंटिस्ट TW एंजलमैन, देयर हिज एक्सपेरिमेंट इज 1843 टू 1909 यूजिंग प्रिज्म ही स्प्रेड लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेट अ ग्रीन एल्गा दैट इज क्लैडोफोरा प्लेस इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। देन TW एंजलमैन ही आल्सो डूइंग अ एक्सपेरिमेंट, इन हिज एक्सपेरिमेंट स्प्लिट कर, उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम कंपोनेंट को, उन्होंने स्पेक्ट्रम कंपोनेंट का फॉर्मेशन किया। कैसे, उन्होंने प्रिज्म था, प्रिज्म में क्या हुआ, लाइट को पास किया, जिससे उन्होंने उन्हें क्या पूरा 7 लाइट देखने को मिले, दैट इज़ विद योर
तो इस तरह से उन्होंने क्या देखा, ये किस पे उन्होंने वर्क किया, उन्होंने वर्क पे किया था एक अलगी पे, ग्रीन अलगी, दैट इज़ क्लैडोफोरा। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो टी डब्ल्यू एंगेलमैन ने प्रिज्म का यूज किया था, प्रिज्म लाइट को पास किया था, जो वो लाइट स्प्लिट हुआ था सेवन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में, और उन्होंने यूज़ किया था क्लैडोफोरा, एक ग्रीन अलगी है, और ये क्या है, इसको प्लेस किया गया एक एरोबिक बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया वेयर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो बैक्टीरिया वहीं पे देखने को मिला जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो ये ग्रीन अलगा है, तो ये क्या करेगा, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसके फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, और जहाँ ऑक्सीजन रिलीज होगा तो क्या ये ग्रीन अलगा सभी लाइट पे फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस एक स्पेसिफिक लाइट स्पेक्ट्रम पे ही करेगा, ओके। तो वहाँ पे वो लाइट का ऑब्जॉर्प्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और उस जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी ऑक्सीजन रिलीज होगा, और क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, वो हीटरोट्रॉपिक है, तो वो ऑक्सीजन के लिए क्या, वो जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहीं पे वो उनका इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, तो जहाँ पे ऑक्सीजन होगा बैक्टीरिया वहीं प्रेजेंट होंगे। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड ओनली द ब्लू एंड रेड लाइट रीजन में, ओके। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब। तो इससे एक चीज़ तो फाइंड आउट हो गया कि जो लाइट, जो फोटोसिंथेसिस है, वो मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लू एंड रेड रीजन में ये मिला, एंड वहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस है तो वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया मोर अक्यूमुलेटेड इन दैट रीजन्स, ओके। इट रिजेंबल दैट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए एंड बी, तो ये आगे है का ए और बी का अब्जॉर्प्शन जो है आगे है, ये सारा हम भी टेबल देखेंगे। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस वेयर नोन, नेमली द प्लांट कुड यूज द लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो इसमें क्या हुआ, 19th सेंचुरी के मिड तक हमें पता चल गया कि CO2 एंड वाटर का यूज़ करके एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट, तो क्या फॉर्म द CH2O एंड ऑक्सीजन, दैट इज रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, दिस रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, ओके, ग्लूकोज 6 कार्बन। तो ये रिप्रेजेंट, तो इनका उपयोग करके क्या बनेगा, प्लांट इनका यूज़ करके बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज ग्लूकोज। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने क्या, वो जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्नेलियस बैनिल 1897-1985। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वो किया बैक्टीरिया पे, दैट इज पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे कार्नेलियस बैनिल ने, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इस पे वर्क किया फोटोसिंथेसिस का। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम द सूटेबल ऑक्सीजनेट कंपाउंड रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो उन्होंने पहली बार बताया कि जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, तो हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो थे वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वो फॉर्म करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, और खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। इन ग्रीन प्लांट H2 इज द हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। तो इससे एक चीज़ हमें कंफर्मेशन मिल गया कि जो H2 है, H2O, तो H2O जो है वही डोनर होता है, वही उससे ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। देखो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है और वाटर में भी प्रेजेंट है, बट एक्चुअली ऑक्सीजन इज फॉर्म फ्रॉम दी
water, not from the carbon dioxide. Okay, remember this, because this carbon dioxide get transformed into the glucose and water is get converted into the oxygen. Okay, तो ये किसने बोला था? दिस वॉज कंक्लूडेड बाई द माइक्रोबायोलॉजिस्ट दैट इज कॉल्ड स्वेन नील. ओके, तो इन ग्रीन प्लांट H2 इज द हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू, तो वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज, विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर का यूज़ नहीं करते, तो वो वाटर का यूज़ नहीं करते तो उनमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वो क्या रिलीज़ करेंगे, सम अदर कंपोनेंट रिलीज़ करने वाले हैं. जैसे H2 उन्हें वाटर के जगह पे अगर वो H2S यूज़ किए तो क्या करेंगे, H2S का यूज़ करके वो क्या करेंगे, वो सल्फ़र का बना लेंगे. क्या बना लेंगे, दे फॉर्म सल्फ़र. हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर एंड सल्फेट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म नॉट O2. तो जो ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, दे यूज H2S, दे नॉट यूज H2O. और H2S इन H2S H2O गो इन टू द फॉर्मेशन ऑफ इन H2S H2 यूज फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड, एंड H2S गो ऑक्सीडाइज टू सल्फर एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड. दिस विल हैपन इन ऑलवेज इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ओके, हेंस ही इन्फॉर्म दैट O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो दिस एक्सपेरिमेंट वी आर कंक्लूडेड दैट H2 इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली H2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इन ग्रीन प्लांट में H2 इज रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के लिए, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो आपको इसका रीजन बताना है, क्योंकि अगर हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे H2S का यूज़ करके अगर हम फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड मिलने वाला है ऑक्सीजन के वजह. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन था, बट फिर भी उसका यूज नहीं किया, उसका यूज करके ऑक्सीजन बनना चाहिए था, नहीं बना, सल्फर बना. तो इसका ये मतलब आता है कि हमेशा वाटर से ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो ये सबसे फाइनल स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, याद रख लेना. 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रिलीज ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. C6H12O रिप्रेजेंट ग्लूकोज, O2 इज रिलीज फ्रॉम द वाटर. दिस विज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटॉप टेक्निक. तो रेडियो आइसोटॉप टेक्निक का यूज़ करके इसको हम फाइंड आउट किए कि वाटर ही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के रिलीज के लिए. नॉट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एंड कॉल फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, इट इज़ अ मल्टीपल प्रोसेस. After that photosynthesis will be happened. Okay, so can you explain why 12 molecule of water as a substrate are used in equation given above. So 12 molecule क्यों use किया गया, जिससे 6 molecule of oxygen release करे. Where does photosynthesis takes place. तो ये हमें पता है फोटोसिंथेसिस हमेशा कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है, वो भी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल में होता है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, वी क्लियरली लर्न इट. यू विल
यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ. तो ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है और ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर. तो अभी हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ के आए हैं सारी चीज़ें. यू डेफिनेटली राइट फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट बट इट डज नॉट ऑल्सो अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. तो लीव्स में होते ही हैं प्लांट के लीव्स में होते हैं साथ में अगर प्लांट के अदर पार्ट पे अगर पार्ट भी ग्रीन है तो वहाँ पे भी अगर स्टेम ग्रीन है तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा. जरूरी नहीं कि वो लीव पे ही फोटोसिंथेसिस होगा. ओके जहाँ भी ग्रीन पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना ही है. और मोस्टली जो यंगेस्ट प्लांट होते हैं यंगर प्लांट होते हैं तो वहाँ पे क्या वहाँ पे उनके सेम बाकी ऑल पार्ट जो होते हैं ग्रीन होते हैं तो सारे पार्ट में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलते हैं. जब वो मैच्योर हो जाते हैं काफ़ी ईयर बाद जो प्लांट होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ लीव ही ग्रीन रह जाता है. बाकी सारे पार्ट कैसे हो जाते हैं वो मैच्योर होके वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन पार्ट पे ही देखने को मिलता है. वुड यू रिकॉलेट द प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यूजली क्लोरोप्लास्ट अलाइन इन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल. तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे देखने को मिलता है मेसोफिल सेल के सेल में हमें क्या देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट इन फॉर्म ऑफ द अलाइन सच दे आर गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो ये क्या क्या अब्सॉर्ब करते हैं क्लोरोप्लास्ट अब्सॉर्ब करते हैं इंसिडेंट लाइट को. व्हेन डू यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8 विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना. तो क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या देखा था हमने क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर अच्छे से देख के आया था. उसमें मेम्ब्रेनस ग्रेना देखने को मिला था स्ट्रोमा लैमेले देखने को मिला था मैट्रिक स्ट्रोमा ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी हमें. ठीक है तो स्ट्रोमा लैमेले थाइलाकॉइड्स ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी. दिस इज क्लियर डिविजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट. तो ये क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब सबका एक क्लियर फंक्शन था. क्लोरोप्लास्ट में जो भी प्रेजेंट था सबका एक डिफरेंट फंक्शन था जो क्लियरली हमें पता था. द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपीएच. तो जो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्लोरोप्लास्ट में जो सिस्टम प्रेजेंट थे वो क्या कर रहे थे दे हेल्प इन ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी एनएडीपीएच. तो याद रखना एनएडीपीएच है एनएडीपी मत याद रखना एनएडीपीएच फोटोसिंथेसिस है ना तो पीएच ऐसे याद रखना जस्ट एक ट्रिक के हिसाब से. ठीक है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा. ये कहाँ होगा मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे वहाँ पे लाइट एनर्जी का ट्रैप होगी. इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस सुगर. तो स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन देखने को मिलता है देयर इज फॉर्म शुगर विद इन विच टर्न फॉर्म्स स्टार्च. तो शुगर का फॉर्मेशन होगा जो बाद में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस द लाइट डायरेक्टली light driven are called right reaction and the latter do not directly light driven but dependent on the product of light reaction that is ATP and NADP hence distinguish the latter called dark reaction. तो photosynthesis में हमें दो types से देखने को मिलेंगे. फोटोसिंथेसिस में हमें एक लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगा एक डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगा. जो लाइट रिएक्शन होगा वो हमें मोस्टली देखने को मिलेगा स्ट्रोमा पार्ट पे. ठीक है स्ट्रोमा पार्ट के स्ट्रोमा में हमें क्या देखेगा वो क्या होंगे वो लाइट को ट्रैप करेंगे और लाइट के एब्सेंट में जो रिएक्शन होगा उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं. तो इसमें लाइट तो नहीं प्रेजेंट होती लेकिन लाइट के जो लाइट से बने जो प्रोडक्ट हैं एटीपी और एनएडीपी उसका यूज करके रिएक्शन देखने को मिलेगा. तो आगे हम कुछ भी पढ़ने से पहले हमें अच्छे से क्लोरोप्लास्ट तो समझ लेना है व्हाट इज़ द क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट इसके पास ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन और ये ग्राना है
जो एक पार्ट होता है ना इसका, सॉरी सिर्फ एक पार्ट, ये जो सिर्फ एक पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और जो पूरा पार्ट जब ले लेंगे उसको क्या बोलेंगे, ग्रैना। सिर्फ इसका एक पार्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड, पूरे पार्ट को हम ग्रैना। और दो ग्रैना को जोड़ने का काम जो ये कर रहा है दैट इज थैला स्ट्रोमा लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली दैट इज विच कनेक्ट टू ग्रैना। ओके, स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइडिक पार्ट है, फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट है, दैट इज स्ट्रोमा। यहाँ पे स्टार्च ग्रैन्यूल लिपिड ड्रॉपलेट्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। द टाइप ऑफ पिगमेंट विच आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस दैट वी आर सी लुकिंग एट द प्लांट। हैव यू एवर वंडर वाई एंड हाउ दीज आर देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स इवन सेम प्लांट। तो अगर हम सेम प्लांट में, एक ही प्लांट के अगर लीव्स में देखेंगे तो हमें बहुत सारे उनके शेड्स देखने को मिलेंगे। वी लुक फॉर आंसर दिस क्वेश्चन वाई ट्राइंग टू सेपरेट लीव पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट तो थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लीव में जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो ये किसके सेपरेशन जो होता है पिगमेंट का, ये बाय द पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू होता है। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ लीव पिगमेंट शो दैट कलर दैट वी सी इन लीव्स आर नॉट ड्यू टू द सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू द फोर पिगमेंट। तो फोर पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ओके, तो दिस फोर पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द लीफ विच प्रोवाइडेड देम डिफरेंट शेड्स। तो फर्स्ट इज क्लोरोफिल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज फ्रॉम दिस पॉइंट क्वेश्चन विल बी आस्क। ओके, क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। तो क्लोरोफिल इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन एंड क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर है का होता है एंड जैंथोफिल जो होता है ग्रीन होता है एंड कैरोटीनॉइड्स विल बी येलो एंड येलो ऑरेंज। तो ये याद रखना, ये ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन होते हैं, ये येलो ग्रीन होते हैं, ये येलो एंड दिस वन इज येलो एंड येलो ऑरेंज। और इन फोर पिगमेंट, दिस फोर पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। हम ये किस तरह से ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं ये हम देखेंगे। प्लांट्स आर तो सबसे पहले ये पॉइंट देख लो, इस तरह से तीन ग्राफ दिया हुआ है। ये जो पहला ग्राफ है ये बता रहा है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का अब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस डिफाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, मतलब कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं एंड दिस यहाँ पे कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इस तरह से ये टेबल बनाया है। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे तो इस तरह से कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल बी जो है ग्रीन कलर के हैं और क्लोरोफिल ये जो है ये ब्लू कलर के हैं, येलो कलर का जो है कैरोटीनॉइड्स है। तो ये वाला जो रीज़न होगा रेड रीज़न और ये जो रीज़न है हाँ तो ये जो ये, क्योंकि हमें पता है ब्लू रीजन जो होता है 400 नैनोमीटर तक होते हैं और हाँ जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये रेड रेड लाइट हो जाएगी, तो ये 700 नैनोमीटर। तो ये ब्लू रीजन वाला होगा, ये रेड रीजन वाला होगा। तो फोटोसिंथेसिस देख रहे हो, हमें जो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन देख रहे हैं हमें ब्लू रीजन एंड रेड रीजन में देखने को मिल रहा है। मतलब फोटोसिंथेसिस हमें मोस्टली ब्लू एंड रेड रीजन में देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा वहीं रिलीज होगा। तो एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हमें यहीं देखने को मिलेगा, रेड रीजन सॉरी ब्लू रीजन एंड रेड रीजन में। ओके, तो यहाँ पे कंपेरिजन है फोटो अब्जॉर्प्शन का, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। तो ये देखो एक दूसरे में काफ़ी लग रहा है कि ये एक दूसरे से ओवरलैप है, लेकिन 1-to-1 ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिल रही है। बस ये ओवरलैपिंग देखने को मिलती है कि रेड लाइट पे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन और सबसे ज़्यादा एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। वैसे हमें रेड रीजन पे भी देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाइन को देखते हैं। पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू ऑब्जर्व द लाइट एज स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो जो पिगमेंट जो है इनकी एबिलिटी है सबसे ज़्यादा को ये पिगमेंट कहाँ पे कौन सी लाइट ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे रेड या ब्लू लाइट, स्पेसिफिक वेवलेंथ ही रहेगा उनका। ठीक है, तो लेट अस स्टडी द ग्राफ एंड शोइंग द क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू ऑब्जर्व द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो क्लोरोफिल ये हम देख रहे थे मोस्टली क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, मोस्टली ये ऑब्जर्व कर रहे थे रेड एंड ब्लू लाइट। तो क्लोरोफिल ये देखो, क्लोरोफिल ये जो ब्लू वाला है, तो ब्लू स्पेक्ट्रम देख रहे हो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, ब्लू एंड रेड लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे कम हो गया है, मिनिमम हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स यू आर सिमिलर विथ वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज विबग्योर। तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हमें पता है 7 होते हैं, विबग्योर वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। फ्रॉम 11.3 ए कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एट विच क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम। तो क्लोरोफिल ए जो है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन होता था फोटोसिंथेसिस में, मतलब लाइट का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हमें क्लोरोफिल ए में किसका देखने को मिला था, ब्लू एंड रेड रीजन पे देखने को मिला था। नाउ लुक एट 11.3 3B। तो ए में हमने देखा था अब्जॉर्प्शन, बी में हमने देखा था एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट तो या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज हो रहा था, क्लोरोफिल ए का। एट मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे देखने को मिला था, ब्लू एंड रेड रीजन में। ओके, हेंस वी कैन कंक्लूडेड दैट द क्लोरोफिल इज चीफ। तो क्लोरोफिल ए जो है सबसे चीफ पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वो मैक्सिमम ब्लू एंड रेड रीजन पे देखने को मिलता है। लेकिन जैसे हम सी वाला डायग्राम देखें तो उसमें क्या देखने को मिला, देयर इज अ कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द अब्जॉर्प्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ए एंड एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 1-to-1 ओवरलैप क्या देखने को मिला लाइट का अब्जॉर्प्शन में एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है 1-to-1 ओवरलैपिंग नहीं है, बस एक मार्जिनल है कि रेड एंड ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिला। ये 1-to-1 ओवरलैपिंग का है। देखो ये 1-to-1 ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है, देखो डिफरेंट है ना थोड़ा, बस एक ओवरव्यू बता रहा है कि हाँ सेम है, ओवरलैपिंग है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे, कैन यू से द 1-to-1 ओवरलैपिंग, नो 1-to-1 ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, बट वो एक दूसरे से ओवरलैप है लेकिन 1-to-1 नहीं। दिस ग्राफ शो दैट मोस्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लू एंड रीजन में। तो सब यहाँ पे ब्लू एंड रेड रीजन का ही सबसे लाइट का ही सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, इसका मतलब अब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज कहाँ होगा, ब्लू एंड रेड रीजन पे ही इसलिए देखने को मिलेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस डस टेक्स प्लेस वेवलेंथ ऑफ पॉसिबल विजिबल एक्सपेंस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी अदर जो वेवलेंथ हैं जैसे वॉयलेट इंडिगो ग्रीन और येलो ऑरेंज, ये सब रीजन पे भी देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस, बट सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्लू एंड रेड रीजन पे। ठीक है, लेट अस सी हाउ दिस हैपन। क्लोरोफिल इज़ द मेजर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रैपिंग ऑफ लाइट. तो बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो क्लोरोफिल ए है वही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर. वो सबसे ज़्यादा जो ट्रैपिंग करता है लाइट की, वो कौन होता है? वो क्लोरोफिल होता है. दूसरा क्या, अदर जो पिगमेंट्स होते हैं दैट इज़ क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड विच आर एक्सेसरी पिगमेंट. तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेजर पिगमेंट होते हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं. बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट का ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं, बट ये एक ऑप्टिमल, ये क्या कहते हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट कहलाते हैं, ये ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं. ठीक है, आल्सो ऑब्जर्व द लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू. तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन से, याद रखना, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिन, कैरोटीनॉइड्स, ये भी हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करते हैं ज़रूरत के हिसाब से. इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल द वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर वोल्टेज बट प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. तो जो ये एक्सेसरी पिगमेंट है, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं. ठीक है, क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली वो क्लोरोफिल ए को क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प तो करते ही हैं साथ में, क्योंकि लाइट का ऑब्जॉर्प्शन कर रहे हैं. अब व्हाट इज़ द लाइट रिएक्शन, वो लाइट रिएक्शन क्या है, तो हम कुछ भी पढ़ने से पहले एक चीज़, पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर है, या ये जो रिएक्शन सेंटर है ये कौन सा, ये वाला पिगमेंट है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंटीना कहते हैं. ठीक है, या इसको रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, यही वाला पिगमेंट. समझ में आ रहा है, इस सेंटर वाला जो पिगमेंट है इसको रिएक्शन सेंटर या एंटीना भी कहते हैं. बाकी जो ये इसके थ्रू क्या होता है, फोटोन रिलीज होते हैं. ठीक है, फोटोन रिलीज होते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड द लाइट ऑब्जॉर्प्शन, स्प्लिट, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट डेट इज ATP एंड NADPH. तो लाइट रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, ATP और NADPH का ही फॉर्मेशन होता है. ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है. और हम इसको हम क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें वाटर की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, और ऑक्सीजन रिलीज हो देखने को मिलेगा, एंड ये एनर्जी ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा लाइट रिएक्शन में. सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें बहुत सारे प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होंगे इस लाइट रिएक्शन में. पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इंटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो जो पिगमेंट होंगे वो दो टाइप के होते हैं, होंगे ए फोटोसिस्टम वन, दूसरा फोटोसिस्टम टू. तो जो पिगमेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे इनर, जिसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो दो फॉर्म में, फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू. द सीक्वेंस ऑफ देयर, तो ये जो फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू जो है, सॉरी ये वन है ये टू, तो ये जो फोटो, जो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले काम कौन करता है, सबसे पहला फंक्शन हमें PS2 का देखने को मिलता है, इसके बाद PS1 वर्क करता है. PS2 का फंक्शन पहले होता है, बाद में PC1 का, PS1 का फंक्शन देखने को मिलता है. तो हमने इसको PS1 फंक्शन क्यों कहा, क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, इसलिए डिस्कवरी के हिसाब से इसको PS1 पहले नाम दिया है. ठीक है, फंक्शन के हिसाब से PS2 पहले फंक्शन दिखाता है. ओके, ये आगे दिया भी हुआ है. दीज आर नेम सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी के हिसाब से इनका नाम दिया गया है, नॉट इन द देयर फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के फंक्शन के हिसाब से इनका नाम नहीं, इनका किस हिसाब से डिस्कवर, जो पहले डिस्कवर किया गया उसको वन रख दिए, जिसको बाद में रखा गया उसको टू रख दिए. ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट्स, ये बहुत सारे पिगमेंट्स के बने होते हैं, और जिससे बाउंडेड होती हैं प्रोटीन. यहाँ पे फोटो सिस्टम हैज़ ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए,
तो फोटोसिस्टम में सारे पिगमेंट्स होते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल एक छोड़ के वो क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एंटीनी। एंड जो सेंट्रल पिगमेंट है वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर वाला जो होता है पिगमेंट वो क्या बनाता है, एंटीने का फॉर्मेशन करता है, हेल्प करता है फोटोज मोर एफिशिएंटली बाय अब्सॉर्बिंग द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये जा रहे जितने भी पिगमेंट्स हैं, जितने भी पिगमेंट्स यूज हो रहे हैं, 100 से भी ज़्यादा पिगमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं जो यूज जो हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकें। ठीक है, सिंगल क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। तो क्लोरोफिल ये है जो क्या है, रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करा है या एंटीने का फॉर्मेशन करा है। बाकी जो पिगमेंट है वो क्या काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ को अब्जॉर्प्शन करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे, याद रखना। ठीक है, रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम। तो दोनों फोटो सिस्टम PS1 PS2 दोनों की रिएक्शन सेंटर जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो PS1 की रिएक्शन सेंटर जो होती है क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ये हैज़ अब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर। तो जो PS1 है वो ऑब्जॉर्व करती है कौन सी लाइट, उसकी जो क्लोरोफिल या रिएक्शन सेंटर या एंटीना जो है वो ये वाली वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करेगी, जबकि जो PS2 है उसकी जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या ऑब्जॉर्व करेगी, वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ ही ऑब्जॉर्व करेगी। ठीक है तो क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है या तो एंटीना भी बोलो। बाकी जो पिगमेंट है वो क्या करेंगे, लाइट का ऑब्जॉर्प्शन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट का ऑब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमें दो सिस्टम में, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, ये दोनों में हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ भी आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोटो सबसे पहले एक्शन किसका हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में, फोटोसिस्टम 2 का देखने को मिलता है। इन द फोटोसिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, तो रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए तो फोटोसिस्टम 2 है, इसलिए कौन सी लाइट ऑब्जर्व करेगा, 680 वाला नैनो वेवलेंथ वाला ऑफ रेड लाइट काजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड एंड जंप टू द ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो उसका जो सेंटर क्लोरोफिल है ये वाले लाइट ऑब्जॉर्व करेगा और वहाँ से क्या रिलीज करेगा वो रिलीज करेगा एक न्यूक्लियर एक क्या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा न्यूक्लियस से। और ये इलेक्ट्रॉन को पहली बार कौन ऑब्जर्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पहली बार ऑब्जर्व करेगा ये फियोफाइटिन, और वहाँ से पास होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला क्लोरोफिल ए से, अब ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर में। ठीक है, तो ये सब कौन कौन है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम लाइन पढ़ने से पहले ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, दो है। ठीक है, एक PS2 PS1। ठीक है, तो ये सनलाइट है, यहाँ से लाइट पड़ी, ये क्या रिलीज करेगा, लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज PS2, वहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज फियोफाइटिन, और इसके बाद ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिर पास होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1। ठीक है, PS1 के पास 700 नैनोमीटर वाले पास जाएगा, फिर ये अपना ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, फिर उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, NADP+ को कन्वर्ट किया NADPH, याद रखना, क्वेश्चन में पूरा पूछ सकता है स्टेप अभी। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का यूज NADP+ को NADPH में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो जाता है। और जो वाटर की स्प्लिटिंग है यहाँ पे देखो, ये PS2 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, H2O है वो रिलीज होगा 2H+ ऑक्सीजन एंड दो इलेक्ट्रॉन में।
ठीक है। अब ये सारा पॉइंट जो है देखो, ये जो है ये एक जेड रिएक्शन है, ठीक है, दिखा रहा है एक जेड रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से देखोगे तो ये एक जेड रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दी हैं, हम इसको पूरे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल ए है जो फोटोसिस्टम ए के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिर इसको बाद जाएंगे एक्सेप्टर के पास जो एक्सेप्ट करेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ साइटोक्रोम्स, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल हुआ, ये डाउनहिल है, ये अपहिल। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल डाउनहिल, तो जो डाउनहिल है उसको क्या बोले, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप बाय, इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन जो है आया वो उसका यूज नहीं किया, उसने भी क्या किया, उसको पास किया इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास, ट्रांसपोर्ट कर दिया, डेट इज़ PS1। PS1 ने भी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से NADP+ जो है क्या करेगा, वो क्या करेगा, NADP+ क्या करेगा, यूज करके कन्वर्ट हो जाएगा NADPH+H में। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन का यूज NADP+ कर रहा है, ठीक है। तो ये अपहिल ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस तरह से पूरा दिया होगा। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, PS2 से, अपहिल टू एक्सेप्टर, अपहिल से गया, अपहिल से लास्ट में गया एक्सेप्टर तक, डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो एक्सेप्टर अपहिल गया, अपहिल से गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ से गया डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर वहाँ से पहुँचा कहाँ गए, वहाँ पे गए, फिर लास्ट में वो कहाँ पहुँचा, वो लास्ट में पहुँचा NADPH+ के पास, एंड कन्वर्ट हो गया NADP+, ठीक है। तो ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है PS2 से स्टार्ट हुआ एंड एक्सेप्ट अपहिल पहुंचा, फिर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचा, फिर PS1 गया, फिर PS1 से एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, फिर वो ट्रांसफ़र हुआ दूसरे एक्सेप्टर के पास, और फिर वहां से NADP+ यूज करके NADPH+H+ का बना का फॉर्मेशन कर लिया, दैट इज इसे कहते हैं जेड स्कीम्स, ठीक है, याद रखना। ये जेड स्कीम क्यों को बोला, क्योंकि शेप इसका जो करेक्टरिस्टिक ड्यू टू शेप, तो जेड शेप का ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसके लिए जेड स्कीम बोला गया। शेप इज फॉर्म बेन एक कैरियर आर प्लेस्ड इन सिक्वेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये जो शेप मिला ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की वजह से, वो जो कैरियर प्रेजेंट थे जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर के ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यूज़ नहीं कर रहा था कोई भी, ठीक है। Now we will see how happened the splitting of water in by the PS2 photosystem. तो how does PS2 supply the electron continuously? तो PS2 ही से ही हमने देखा रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ था अपहिल में, इसके थ्रू ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पास गया। तो ये PS2 कंटिन्यूसली कैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। द इलेक्ट्रॉन आर दैट मूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जो PS2 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, वो दूसरे प्लेस पे उनको ले जाया जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास।
तो इसके लिए कंटिन्यूसली इस पर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होना चाहिए. दिस अचीव्ड बाय द अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. तो ये तभी होगा जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और ये वाटर की स्प्लिटिंग PH2 सिस्टम में ही देखने को मिलता है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विथ PH2, वाटर की स्प्लिट होगा और वो कन्वर्ट होगा 2H+ ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस क्रिएट ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस स्प्लिटिंग के थ्रू क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन, ये इसको फॉर्मेशन होता है स्प्लिटिंग के थ्रू. इलेक्ट्रॉन आर नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम वन आर प्रोवाइडेड टू बाय द फोटो सिस्टम टू. तो फोटो सिस्टम वन को जो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी वो कहाँ से मिला, फोटो सिस्टम टू से. ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल वाटर लेंगे तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और 4 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का. याद रखना, क्वेश्चन में पूछा है. वी नीड टू एम्फसाइज हेयर दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड PS2, ऑफकोर्स जो वाटर की स्प्लिटिंग है PS2 से रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये जब पास होंगे कैरियर के थ्रू. फिजिकली लोकेटेड इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड्स. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो थायलाकॉइड्स थे तो वो क्या है, वहाँ पे ही ये रिएक्शन देखने को मिल रहा था, उसके इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. थायलाकॉइड के अंदर हमें PH2 रिएक्शन देखने को मिला था, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ओके, क्वेश्चन पूछेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है ये PH2 का, वो कहाँ पे देखने को मिला था, वो इनर साइड ऑफ द थायलाकॉइड. अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन देखेंगे. तो ये क्या है, लाइट रिएक्शन है. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो क्या इसमें बोला, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्या बोलती होती है, कैपेबिलिटी होती है एनर्जी लेने की. वो कहाँ से एनर्जी वो उनको मिलती है, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, हम लोग जो है ATP के फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं. ठीक है, स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरी एनर्जी देयर इन केमिकल बॉन्ड. तो जो ATP है ये एनर्जी के फॉर्म में ये केमिकल बॉन्ड रहता है, देखने को मिलता है. द प्रोसेस थ्रू विच ATP सिंथेसाइज बाय द सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नेम फॉस्फोराइलेशन. अगर ATP की सिंथेसिस अगर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे. अगर ATP की सिंथेसिस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्या फॉर्मेशन करा दिया, फॉर्म द ATP. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन. इस प्रोसेस को फोटो फॉस्फोराइलेशन. तो दो प्रोसेस से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, एक जब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो फॉस्फोराइलेशन. अगर ATP का फॉर्मेशन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. व्हेन टू सिस्टम वर्क इन सीरीज, फर्स्ट PH2 एंड देन PH2 दैट PS1 दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो रिएक्शन है इसके थ्रू ATP का फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो ये पहले इसमें क्या होगा, पहले PS2 वर्क करेगा, इसके बाद PS1 करेगा. तो इस पे दोनों PS2 पहले वर्क करेगा, उसके बाद PS1 ये दोनों प्रोसेस वर्क करेंगे. तो ये दोनों प्रोसेस जब यूज हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन PS2 PS1 दोनों देखने को मिलता है. द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखने को मिला हमें. PH2 PS1 कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
सिस्टम की वजह से ये देखने को मिला था। जेड स्कीम अभी हमने पीछे देख लिया है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होते हो रहे थे कैरियर के थ्रू, वो जेड शेप बना रहे थे। बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एच का फॉर्मेशन हो रहा था इस जेड स्कीम में, ठीक है। क्यों हो रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ था। देखो PS2 अभी ये वाला जो हमने कंडीशन देखा ना, ये कौन सा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला ये वाला है। अब ये है, ये जो होगा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइले, ये वाला साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक में क्या होगा, डायरेक्ट इसमें सिर्फ PS1 का ही यूज होता है, PS2 यूज नहीं होता। तो लाइट लगी और लाइट PS1 पे जैसे ही आई फॉल हुई, इसके बाद यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ठीक है। और उसमें क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एटीपी सिंथेसाइज, यहाँ हम आगे देखेंगे, यहाँ तक हमने देख चुके हैं। तो व्हेन PS2 इज ओनली PS, जब PS1 सिर्फ ओनली PS1 फंक्शनल एक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए या एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो साइक्लिक फ्लो ऑफ रिएक्शन देखने को मिला, ठीक है। वो साइक्लिक फ्लो ऑफ रिएक्शन देखने को मिला। अब पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लैमेली, तो ये कहाँ पे देखने को मिला, स्ट्रोमा लैमेली में। ये कहाँ पे देखने को मिला, स्ट्रोमा लैमेली में। याद रखना PS1 कहाँ पे देखने को मिलता है, PS1 हमेशा स्ट्रोमा लैमेली में देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछेगा। और जो ग्राना है, ग्राना में क्या देखने को मिलता है, ग्राना में हमें देखने को मिलता है PS2 रिएक्शन, सॉरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, जो PS2 का और PS1 दोनों इन्वॉल्व, जिस रिएक्शन में PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है, वो देखने को मिलेगा ग्राना में, लमेले ऑफ द ग्राना में। अगर वो सिर्फ ओनली PS1 है, ओनली PS1 है, तो ये कहाँ पे देखने को होगा, स्टोमा लमेले में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा लैमेले में। याद रखना व्हेन मेम्ब्रेन और लैमेले ऑफ ग्राना है बोथ PS1 PS2, तो चाहे लैमेले बोलो या आप तो ग्राना के लैमेले, मतलब लैमेले ऑफ ग्राना में क्या देखने को मिलता है हमें, PS1 PS2 दोनों। और स्ट्रोमा में हमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रोमा लैमेले में हमें क्या देखने को मिलता है, ओनली देखो स्ट्रोमा लैमेले मेम्ब्रेन लाइक PS1 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, तो PS2 लैक है। तो जहाँ पे PS2 नहीं होता, वहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। याद रखना NADPH का फॉर्मेशन PS2 वाले कंडीशन में ही बनने को मिलेगा। तो PS1 है तो यहाँ पे सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखना। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन द NADPH बट साइकिल बैक टू द PS1 कम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो PS1 में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट था, वो NADPH प्लस के पास जाएगा नहीं, जिससे NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। PS1 में उसके बदले वो कहाँ पे जाएगा, दूसरे वो रिएक्शन वापस बैक टू PS1 में वापस से स्टार्ट हो, मतलब बैक करने लगेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP नो बट नॉट NADPH। तो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में या तो PS1 जहाँ पे है, तो वहाँ पे सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH का नहीं। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि जो NADP प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसके बदले जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उस पर क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वापस से इलेक्ट्रॉन PS1 पे रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। वो NADP प्लस के पास यूज ही नहीं होगा। क्या देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होके यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरोक्सोडॉक्सिन से वो जाएगा साइटोक्रोम B6
फिर साइट्रोक्रोम एफ, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाके वापस से यहाँ पे कम बैक कर लेगा पीएस P700 PS1 में, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, याद रखना। फिर से एक बार यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर वहाँ से जाएगा वो फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर वापस से कहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा PS1 के पास। ओके, तो NADPH P+ इसका यूज ना करके नहीं करेगा, इसलिए NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा साइक्लिक सिस्टम में। नाउ वी विल गोज टू केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इसको पढ़ने से पहले इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। देखो इसको बनाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे खुद ही एक बना लेती हूँ डायग्राम। देखो डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। ये क्या है, ये थायलाकॉइड ल्यूमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, PS2 यहाँ से स्टार्ट होगा, PS2 स्टार्ट होगा थायलाकॉइड मेम्ब्रेन से, क्या होगा स्टार्ट होगा PS2 रिलीज करेगा। जब लाइट इस पे पड़ी, सनलाइट की लाइट जब इस पे पड़ी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा वो जाएगा किसके पास, फियोफाइटिन। इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा वो फियोफाइटिन। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जाएगा, फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ये इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोक्विनिन को, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ये जैसे ही फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनिन को दो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसका फ़ायदा उठा के क्या करेगा, बाहर से जो हाइड्रोजन या है उसको अंदर डाल देगा थायलाकॉइड ल्यूमेन में। ओके, थायलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर ये प्लास्टोक्विनिन हाइड्रोजन को डालता है। फिर ये प्लास्टोक्विनिन क्या काम करेगा, वापस से क्या बना लेगा, PQS2 बनाने के बाद ये क्या करेगा, थायलाकॉइड ल्यूमेन में हाइड्रोजन को डाल देगा। और जैसे ही हाइड्रोजन डाल दिया तो वो क्या करने बना लेगा, प्लास्टोक्विनिन वापस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQS2 वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQS2 वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQ में, प्लास्टोक्विनिन में। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा साइटोक्रोम B6 एंड BF, ठीक है। देखो लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन पहले फियोफाइटिन के पास गया, फिर प्लास्टोक्विनिन के पास गया, फिर PQS2 जब बना तो ये हाइड्रोजन अंडर डालेगा और वापस खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, PQ में, फिर प्लास्टोक्विनिन में। फिर इलेक्ट्रॉन जो उसका प्लास्टोक्विनिन से है वो जाएगा साइटोक्रोम B6 पास, फिर इसके बाद साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास जाएगा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। अब फिर इसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड रिमूव करेगा टू द PS1, और PS1 से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, वापस तो PS2 के पास से ही, यहाँ पे जो PS2 से यहाँ से लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, और लाइट इसके ऊपर भी पड़ी है, देखो यहाँ पे लाइट इसके ऊपर भी पड़ी है तो ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इस तरह से इसके पास दो तरह से इसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। अब ये इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके NADP+ को किस में कन्वर्ट कर दे, NADPH इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है वो उसका इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हुआ उसका यूज सिर्फ दो ही जगह होगा, एक तो NADPH का फॉर्मेशन होगा, दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको अंदर लाने का काम हुआ। जो PQ प्लास्टोक्विनिन है वो हाइड्रोजन को कब अंदर लाया, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया गया, फियोफाइटिन ने प्लास्टोक्विनिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को अंदर के इस तरह से हाइड्रोजन को अंदर लाने के लिए एंड NADPH का फॉर्मेशन के लिए
ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया गया था। अब हाइड्रोजन को थैलोकाइड ल्यूमेन में क्यों लाए, जिससे हाइड्रोजन ग्रेडियंट देखने को, जिससे ग्रेडियंट देखने को मिले। तो ग्रेडियंट बना है तो इससे क्या होगा, जो होगा अब हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे आउटसाइड। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें ग्रेड पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने को मिले, अब ये मूव करेंगे आउटसाइड। तो इनको जैसे ही आउटसाइड मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, इससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन में ग्रेडियंट डेवलप हुआ तो इसकी वजह से क्या होंगे, मूव करेंगे आउटसाइड दी ल्यूमेन, और इससे तीन हाइड्रोजन अगर बाहर निकलते हैं तो उससे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तीन हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीन हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट होगा जब एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये पूरा पॉइंट यही दिया है कि मियोसमोटिक थ्री है। अब हम लाइन को पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा चुकी हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखेंगे अभी जो PS2 PS1 कैसे वर्क किए, अभी इसमें मियोसमोटिक थ्री में देखा हमने कैसे क्यों PS1 PS2 का यूज किया गया जिससे ATP का फॉर्मेशन हो क्लोरोप्लास्ट में। केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉर द एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, इससे मैकेनिज्म हुआ जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। लाइक इन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसाइज लाइक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जैसे रेस्पिरेशन है उसमें भी प्रोटॉन ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, उसी तरह फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी की सिंथेसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अगेंस्ट डेवलप होगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होगा थैलोकॉइड ल्यूमेन के अंदर। दिस टाइम मेम्ब्रेन ऑफ थैलोकॉइड, तो यहाँ पे क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे कहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट देखने को मिला, ये देखने को मिला थैलोकॉइड के ल्यूमेन में। देयर इज वन डिफरेंस हियर द एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन टुवर्ड द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज इन द ल्यूमेन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में प्रोटॉन ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। डिफरेंस ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट हमें थैलोकॉइड के ल्यूमेन में देखने को मिलेगा, जबकि रेस्पिरेशन में क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन में इनमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमें प्रोटॉन का एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा, और रेस्पिरेशन में ETS वगैरह भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये भी देखेंगे, तो कैसे वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो फोटोसिंथेसिस, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट हमें थैलोकॉइड ल्यूमेन में देखने को मिलेगा। कंसीडर अगेंस्ट द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन ट्रांसपोर्ट डिटरमाइन द स्टेप कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्टिवेशन है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, उसके थ्रू ही हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, कैसे एटीपी की सिंथेसिस होती है। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन में ही हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोटॉन, और जिससे क्या होगा, प्रोटॉन या हाइड्रोजन का एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा थैलोकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है, इन क्वेश्चन पूछा है इनर साइड वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ देखने को मिलती है, इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ थैलोकॉइड, और प्रोटॉन का जो एक्युमुलेशन है वो थैलोकॉइड के ल्यूमेन में देखने को मिलता है। ये डायग्राम मैंने अभी आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ, देख लेना। इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करेंगे तो हमने देखा प्रोटॉन भी क्या उसी टाइम क्या होंगे, प्रोटॉन भी ट्रांसपोर्ट होंगे थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर। प्लास्टोक्विनीन PQS2 होगा, इसके थ्रू क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा प्लास्टोक्विनीन के पास,
तो ये क्या करेगा, उसी टाइम ये हाइड्रोजन को थैलाकॉइड लुमेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर लोकेटेड टुअर्ड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स इज इलेक्ट्रॉन नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू द हाइड्रोजन कैरियर। तो प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन जो थे जैसे फियोफाइटिन, जैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा प्लास्टोक्विनॉन को, तो उसी टाइम क्या होगा, वो जो प्लास्टोक्विनॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है बल्कि वो हाइड्रोजन कैरियर है, उसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो प्लास्टोक्विनॉन क्या करेगा, जैसे ही फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, वो वैसे ही वो हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करेगा स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन में, हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को, ठीक है, स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स लॉन्ग टू द कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटॉन रिलीज इन द इनर साइड ऑफ ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन्स। तो क्या, जैसे प्राइमरी एक्सेप्टर उसको प्लास्टोक्विनॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा ये हाइड्रोजन कैरियर को, हाइड्रोजन कैरियर जैसे PQS2 बन के जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B6 यानी साइटोक्रोम F को, उसके जस्ट तुरंत बाद ही क्या होगा, हाइड्रोजन को अंदर डाल देगा थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा साइड में, स्ट्रोमा में देखने को मिलता है, ल्यूमेन में नहीं देखने को मिलता, स्ट्रोमा में देखने को मिलता है, इसीलिए PS2 यहाँ पे रहता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ PS1 प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADPH2 NADPS NADP+2 NADPS। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं PS1 के पास, अल्टीमेटली वो कहाँ पे आते हैं, PS1 के पास आते हैं, और PS1 से ही इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, NADPS से आते हैं, और NADPS का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन एक्युमुलेट हो जाते हैं स्ट्रोमा, अरे थैलाकॉइड ल्यूमेन में, स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन एंड NADP+ से NADPH का फॉर्मेशन, ये दो काम ही कौन करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन कैरियर ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा ये दोनों काम हो जाएंगे। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेज इन नंबर। तो इससे क्या होगा, स्ट्रोमा से क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, डिक्रीज होंगे, और क्यों डिक्रीज होंगे, क्योंकि वो जो प्रोटॉन थे वो कहाँ पे एक्युमुलेट हो रहे हैं, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। दिस क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट, इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एज वेल एज परमिएबल डिक्रीज इन द pH इन ल्यूमेन। तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन का एक्युमुलेशन हो जाएगा थैलाकॉइड ल्यूमेन में और वहाँ पे pH डिक्रीज हो जाएगा, इसके लिए वहाँ पे pH डिक्रीज हो जाएगा। वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छा, प्रोटॉन ग्रेडियंट हम क्यों डेवलप कर रहे हैं स्ट्रोमा ग्रेडियंट में, अरे प्रोटॉन हम जो ग्रेडियंट बना रहे हैं प्रोटॉन का थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे ATP का फॉर्मेशन हो। जैसे एक ग्रेडियंट है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ATP की सिंथेसिस होगी, ठीक है।